हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एज ब्राउज़र पे जो फॉन्ट्स हैं वो हम चेंज करने वाले हैं। फॉन्ट्स को चेंज कैसे करते हैं वो आप देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको यहाँ से सेटिंग्स पे चले जाना है अपने एज ब्राउज़र के। और ये सभी ब्राउज़र्स में अलग सेम है, अगर आप यूज़ कर रहे हैं एज क्रोम ब्राउज़र तो उसमें भी आप सेम तरीके से चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप एज ब्राउज़र पे देखेंगे। देखिए, यहाँ पे आप वो सर्च करके भी जा सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको सिंपल तरीके बताता हूँ। अपेयरेंस में जाइए और इसमें स्क्रॉल डाउन करके सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलता है फॉन्ट्स का। तो फॉन्ट्स पे आप सिंपल क्लिक करिए यहाँ से। यहाँ पे देखिए फॉन्ट रिकमेंडेशन है, यहाँ पे मीडियम, ये साइज़ के लिए है। यहाँ से आप साइजेस चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज करना हो। यहाँ से आप जाएंगे तो देखिए कस्टमाइज फॉन्ट का ऑप्शन है। कस्टमाइज फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी साइज़ चेंज कर सकते हैं, मिनिमम फॉन्ट साइज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ ये कुछ फॉन्ट्स दिए हैं, स्टैंडर्ड फॉन्ट, सेरिफ फॉन्ट, सेंस और इस तरह के जो फॉन्ट्स दिए हुए हैं। अब ये जो फॉन्ट्स हैं ये अलग अलग जगह पे ब्राउज़र में यूज़ हुए हैं। देखिए मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से जैसे हमने ये वाला फॉन्ट चेंज किया, अब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे तो साइज़ नहीं है ये। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं ये जो फॉन्ट्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं। अब आपको चेंज करना है तो देखिए आपके कंप्यूटर में ये सारे फॉन्ट्स जो इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके कंप्यूटर फॉन्ट इंस्टॉल नहीं है ना, तो ये पुराने वाले फॉन्ट्स जो होंगे इस तरह के माइक्रोसॉफ्ट वाले, तो वो उनमें से आप चेंजेस कर सकते हैं जो उनमें से आपको बेस्ट लगे, जैसे कि इस तरह से आ जाएंगे तो उनमें से आप चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ कस्टम फॉन्ट इंस्टॉल करके रखे हुए हैं, जैसे कि ये वाला जो फॉन्ट है ये कस्टम फॉन्ट है, और इसके बाद एक SF Pro करके है, ये एप्पल फॉन्ट है। आप सिंपल टाइप कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं एप्पल फॉन्ट्स, तो आपको उनमें कई सारे एप्पल फॉन्ट्स मिल जाएंगे। आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं और सिंपली कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, और जस्ट एक क्लिक में इंस्टॉल हो जाते हैं ये फॉन्ट। बहुत सिंपल होता है, आपको फॉन्ट फाइल को डबल क्लिक करना है एंड इंस्टॉल बटन आएगा, इंस्टॉल क्लिक कर देंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे सारे फॉन्ट यहाँ पे सबको शो हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने सेलेक्ट लिया, इसके बाद यहाँ पे देखिए ये चीवो ये फॉन्ट है, ये भी गूगल का फॉन्ट है। ये पॉपिंस ये भी गूगल वाला फॉन्ट है, ये भी गूगल के फॉन्ट है। मतलब इनको भी आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, तो सेम प्रोसेस है। ओके, तो मैं यहाँ पे एप्पल फॉन्ट यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर है, मतलब नेचुरल भी लगते हैं। ये देखिए ये नॉर्मल फॉन्ट है, ये एरियल फॉन्ट है, और ये SF वाले प्रो फॉन्ट है, मतलब ये एरियल फॉन्ट से थोड़ा सा बेटर लुकिंग है। तो सिंपल चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे और चेंज कर लेंगे, तो देखिए एप्पल फॉन्ट यहाँ पे फिर से हम सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। आपको सिंपल सेलेक्ट करना है, ओके, इंस्टॉल करने के बाद सेलेक्ट करना है। अब देखिए गाइस, अगर आपको फॉन्ट इंस्टॉल करना है तो देखिए फॉन्ट इंस्टॉल करने के लिए देखिए आपके पास होना चाहिए इस तरह का फाइल, ये TTF फाइल है, और इस तरह से फॉन्ट आपको मिल जाएंगे, तो फॉन्ट आप डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सिंपल आपको डबल क्लिक करना होता है, यहाँ पे इंस्टॉल का बटन आ गया है, इसको सिंपल क्लिक करेंगे तो देखिए ये ऑलरेडी मेरे में फॉन्ट इंस्टॉल है, ये ऑलरेडी हमने पहले इंस्टॉल कर चुके हैं इसलिए ये दिखा रहा है। तो हमने यहाँ पे यस कर दिया, और देखिए ये फॉन्ट जो है इंस्टॉल हो चुका है कम्प्लीटली। तो इस तरह से सिंपल तरीका है, इंस्टॉल हो जाने के बाद आप यहाँ से जा कर के सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने एज ब्राउज़र के फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं और बेहतर तरीके से उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए इस पर बहुत सारे फीचर्स हैं, अगर आपको जानना है कौन से टॉप 5 बेस्ट फीचर्स हैं जो कि टाइम सेविंग है, यूज़फुल भी है, और AI फीचर्स के बारे में जानना है, देन यहाँ पे वीडियोज़ है हमारे पास, जो कि आपको लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वह वॉच करिए। बहुत सारे नए फीचर्स आपको जानने के लिए मिलेंगे एज ब्राउज़र के। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।